नूहू की घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान कि हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती बेहद निराशजनक है। इससे न केवल आम जनता का मनोबल टूटेगा अपितु अपराधियों के हौसले भी बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का पहला काम है। यदि खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और कांग्रेस को कमान सौंपें। हम दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जाती है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा भी कोई कानून व्यवस्था की विफलता का उदाहरण देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बयान बहुत दुखद और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। ये बयान आम आदमी को, हरियाणा के हर हरियाणावासी को निराश करने वाला है और ये बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि उस सरकार के तहत उस प्रदेश में आने वाला हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, अपना जीवन यापन करते हुए एक सुरक्षा का एहसास हो हर नागरिक को। अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाई सरकार, सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तो अपनी जिम्मेदारी में फेल है सरकार। ये जो आज कहा है बहुत दुखद है। और यदि ये सरकार खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असक्षम है और कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। हम दिखाएंगे हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में, कहीं एक कानून व्यवस्था की विफलता का कोई बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिला हरियाणा में। तो हम वो दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सुरक्षा का वातावरण बनाकर हम देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, ये सरकार की विफलता की वजह से आज ये हालात बने हरियाणा में। अब सबसा सरकार प्रदेश में भाईचारा और शांति बनाने के लिए कम से कम सारे उचित कदम उठाए, हम सरकार से ऐसी मांग करते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।